ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 है आपकी, चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था माई अर्ली होम। माई अर्ली होम आपने इनकी रीडिंग भी कर ली है एंड डिटेक्शन वर्ड्स भी कर ली है। ये स्टोरी क्या थी आपको स्टोरी पता है क्या थी? दो हॉर्स थे, ये दो हॉर्सेस की स्टोरी थी। माई अर्ली होम मेरा पहला घर, किसका पहला घर? ये जो हॉर्स है ये हॉर्स का पहला घर था। कहाँ रहते थे? मास्टर्स के पास, एक फार्म में रहते थे। कहाँ था उसका? उनका वो था, ओनर कौन था? मास्टर्स था एक। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए है, वर डिड ब्लैक ब्यूटी लिव ऑन बिफोर ही कुड ईट ग्रास? व्हाट हैपेंड वंस ब्लैक ब्यूटी वाज ओल्ड इनफ टू ईट ग्रास? क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट एडवाइस डिड ब्लैक ब्यूटीज मदर गिव हिम? क्वेश्चन नंबर ए बी एंड सी करना है आपने नोटबुक्स के ऊपर। अपनी नोटबुक्स आपने नीट एंड क्लीन रेडी करनी है और साथ लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड ब्लैक ब्यूटी लिव ऑन बिफोर ही कुड ईट ग्रास? ही लिव जिंदा रहती थी ऑन हिज मदर्स मिल्क बिफोर ही कुड ईट ग्रास, जब वो घास नहीं खाती थी रहती थी जिंदा ऑन हिज मदर मिल्क। क्वेश्चन बी है, व्हाट हैपेंड वंस ब्लैक ब्यूटी वाज ओल्ड इनफ टू ईट ग्रास? हिज मदर यूज्ड टू गो आउट टू वर्क इन द डे टाइम। क्या करती उसकी मम्मा जब से बोला घास खा, इसकी मदर ने क्या किया? ब्लैक ब्यूटी ने हिज मदर used to go out to work, काम करने चलेगी कहाँ पे? In the daytime. Daytime कहाँ चलेगी? काम करने के लिए। What advice did Black Beauty's mother give him? उसकी मदर ने Black Beauty को क्या advice की? Black Beauty's mother's advice. Black Beauty's की मदर ने क्या advice की उसको? Was to grow up gentle and good and never learn bad ways. उसकी मदर ने इसको एडवाइस की was to grow up बड़ी हो, कैसे बड़े हो जाओ आप? बड़े हो कैसे? Gentle and good, अच्छे gentle सबके साथ नरमी करने वाला और अच्छा घोड़ा बनो and never learn bad ways और कभी भी बुरा रास्ता इख्तियार ना करो। उसकी मदर ने इसकी एडवाइस क्यों की ये वाली? बिकॉज वो जहाँ रहता था वहाँ पे और सब बोला हॉर्सेस थे उसके साथ, वो उनके साथ फाइट करता था, उनको पंच, वो दूसरे को बाइट करते थे, किक करते थे, जिसकी वजह से उसकी मदर ने क्या बोला कि क्या है एडवाइस की? वाज टू ग्रो अप जेंटल एंड गुड। वो कहते हैं ग्रो अप बड़े हो जेंटल एंड गुड, कि आप किसी को किक ना करो, किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, बल्कि एक अच्छे हॉर्स बनो एंड नेवर बैड वे, बुरा रास्ता ही तैनू करो। किसी को मारना, किसी को बाइट करना, किक करना क्या होता है? बुरा रास्ता होता है। जब आप किसी को हर्ट करते हो उससे, अगर आप किसी को किक करोगे तो वो हर्ट होगा, ठीक है, उससे क्या होगा? आप उन्होंने कहा था बैड नेवर वेज, बुरा रास्ता ना इख्तियार करो। बिकॉज उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे काफ़ी अच्छे थे, उसने कहा था ग्रैंड पेरेंट्स, जो आपके ग्रैंड फादर थे, उन्होंने क्या किया था? एक रेस जीती थी, न्यू मार्केट की रेस जीती थी, और उसकी जो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो काफ़ी जेंटल और पोलाइट नेचर की थी। इसलिए तुम क्या करो, आप भी क्या बनो? ब्लैक ब्यूटी को बोला वाज टू ग्रो अप जेंटल एंड गुड, कि आप जेंटल और गुड, अच्छे और मेरा तरीके सबसे सबके साथ रहें एंड नेवर लर्न बैड, और बुरा रास्ता इख्तियार ना करें। हम अगेन रिपीट करेंगे, ही लिव ऑन हिज मदर्स मिल्क बिफोर He could eat grass. His mother used to go out to work in the daytime. Black Beauty's mother's advice was to grow up gentle and good and never learn bad ways. आप भी नोटबुक में क्वेश्चन राइट करने हैं एंड लर्न भी करनी है इसको।
neat and clean. Love you, students.